अरे आप भी दे दो। अरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। बात करेंगे ड्रग मुला कॉन्स्टिट्यूंसी की, बात करेंगे जो है DDC इलेक्शन, आज फिर से रिपोलिंग जो है इलेक्शन हुआ यहाँ पे। दो साल पहले जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, किसी कारण से जो है इलेक्शन को रोकना पड़ा। आज जो है दोबारा जो है इस पे पोलिंग जो हुई है, लोगों ने आज जो है काफ़ी ठंड के बावजूद जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। इस वक्त हम मौजूद है आरमपुरा जो है पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज सवेरे जिस तरह मैंने बताया कि सवेरे 7 बजे के करीब जो है कतार में लोग जो खड़े थे अपने वोट कास्ट करने के लिए आए, इसीलिए वोट कास्ट करने के लिए आए कि डेवलपमेंट के हवाले से जो DDC इलेक्शन है उसमें भी जब पहले इलेक्शन हुआ था तब भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज भी जो है इस इलेक्शन में भी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी आपका नाम और आपका? जी मेरा नाम है अब्दुल्ला सोफी, मैं आरमपुरा से बिलोंग कर रहा हूँ। ये पंचायत से मेरा नाम है अब्दुल्ला सोफी सरपंच में। सर यहाँ पे जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे जो वोट लोग डालते हैं ठीक है। DDC इलेक्शन यहाँ पे 2019 में हुआ है, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो मुलतवी किया गया, उसका रिपोल आज करना पड़ा है। लोग वोट डालने के लिए निकले हैं घर से, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे तो टाइम कम है, सर्दी है, टाइम कम है, 2 बजे तक पोलिंग बूथ। अब कितने आएंगे घर में, औरतों का मतलब मसाले होते हैं घरों में, तो ठीक है लोग वोट डालते हैं। अगर DDC कैंडिडेट बन जाए यहाँ पे तो जो पंचायत में पंचायत थीटर है उसमें भी कामयाबी मिल जाएगी और सरपंच भी काम कर सकते हैं, वार्ड में पंचायत में काम हो जाएगी। हमारा दो तीन साल से इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमारा जो DDC वो नहीं बन पाया है कुछ कारण की वजह से। अब ठीक है यहाँ पे अब हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ललित। इस बार किस तरह की उम्मीद रखते हो, जितने भी रुके पड़े काम है लोगों का ये भी कहना है कि 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए 2019 में, फिर किसी कारण से उनको रोकना पड़ा, तो इस बार किस तरह की उम्मीद रखते हो? अब इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि काम हो जाएगा। जी मैं आपको फिर से विजुअल दिखाने की कोशिश कर, जो हमारी माए बहन है वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, उनका साफ तो यही कहना है कि वोट इसलिए हम डालते हैं डेवलपमेंट के लिए, जितने भी अभी और बिजली पानी सड़क रोड हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर के लिए है जो वोट डालते हैं। अगर बात करेंगे तकरीबन 30,000 जो वोट है वो आज यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ड्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे डाले जाएंगे, और साफ तौर जो है इसमें 10 कैंडिडेट जो है हिस्सा ले रहे हैं, और साफ तौर जो है तकरीबन 42 जो है पोलिंग स्टेशन है वो इस ड्रगमुला DDC जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें। जी जी फिर से जी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे इलेक्शन हुआ, बदकिस्मती से 2 साल इसका लेट हो गया है, अब 2023 आने वाला है। ठीक है अब लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम है वोट भी मैंने डाला है ठीक है, निशान भी अभी नहीं लगाया, लगाया था अब थोड़ा मिट गया था वो, तो ठीक है लोग वोट डालेंगे, DDC कंडे यहाँ पे बन जाएंगे, और लोगों जो मसले ग्राउंड पे जो मसले होते हैं, रोड होते हैं, सड़क होते हैं, बिजली का पानी का मसला होता है, वो इंशाल्लाह रहमान हल हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है ओके। जी नाज़रीन, काफी लोगों के साथ मैंने बात की, उनका साफ तो ये कहना है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब लोग ये भी चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए, जिस तरह रुके पड़े काम है वो फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए, जिस तरह मैंने पहले बताया बिजली में भी काफी इजाफा हो, बिजली फीस में भी अब कमी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ की माएं बहनें जो बुजुर्ग है सवेरे से जो है अभी तक तकरीबन 12 बज गए हैं, तकरीबन 15% जो लोग है वोट है वो अभी तक यहाँ पे डाले गए हैं। और भी लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग हैं उनसे जाना चाहेंगे, जिस तरह की यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। पहले भी मैंने बताया जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो दरगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो वोट है वो आज यहाँ पे डाले जाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 30,000 के ज्यादा जो वोट है, और इसमें 10 कैंडिडेट जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये भी है 10 कैंडिडेट जो हिस्सा ले रहे हैं, और तकरीबन 42 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ये वोट। कुछ और लोगों के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मुझे वोट त्रोता वोट किम खत त्रोवा आज वोट तो जल्ला पिंड खत त्रोवा तो वोट एक निशान कच हो कि मा छ वोट त्रो मुस हबाय ओके हस पे वान जी। मेरे साथ और भी कुछ जो है यहाँ के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो बीडीओ साहब द्रगमुला है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बीडीओ साहब क्या कहेंगे, लोगों की जो दीरी ना मांग थी जो इलेक्शंस के, आज फिर से रिपोलिंग जो हुई है, तो लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो रुके पड़े काम है उसमें फास्ट ट्रैक पे काम, तो उस हाल से क्या कहेंगे?
तो ऐसा है कि जो पहले जो है उनको मायूसी हुई थी, क्योंकि ये पहले इलेक्शन जो किसी वजह की वजह किसी रीज़न की से जो है ये पोस्टपोन हो गया था, ये रोक दिया गया था। हालांकि लोगों ने द्रगमुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका वोट भी कास्ट किया था, लेकिन रिजल्ट वोट नहीं हुआ ड्यू टू सम डिस्प्यूट जो था वो बंद हो गया था। लेकिन उस वक्त तो मायूसी, लेकिन फिर भी आज गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम इसको री इलेक्शन करते हैं। तो सुबह से तो थोड़ा कम थे लोग, लेकिन मैं काफ़ी पोलिंग स्टेशन से अभी मैं दौरा करके आया हूँ, लेकिन कितारों में और बड़े जोश व खरोश से जो है वोट जो है वो लोग डाल रहे हैं। और ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप से ही हमारा जो है हर किस्म की डेवलपमेंट का जो है वो हो सकता है। तो इस लिहाज से लोग बड़े खुश हैं कि कम से कम हमारा, क्योंकि पंचायती राज में ये है कि 3 टायर्स पे ये पंचायती राज जो है मुनसिब होता है, लेकिन अभी यहाँ तक सिर्फ इसी DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी ये सिर्फ तो 2 टायर ही थे। अब मुझे लगता है कि तीसरे टायर का जो है आज फैसला जो है वो DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसके लिए वोटिंग पड़ रही है द्रगमुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें मतलब जो है वो पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं, तो इसमें से इन लोगों के लिए एक बेहतरी का सबब भी है। और लोग बड़े खुश खुश हैं, हमने भी लोगों से अपील की है कि अपने जोश व खरोश से, क्योंकि अब ये वोट जो है इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, इसी से हमें देखना है कि हमारी डेवलपमेंट का जो सेटअप है वो इसी से बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग बड़े जोश व खरोश से, और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि अच्छे तरीके से जो है अपना इसमें हिस्सा लें, वोटिंग का हिस्सा लें। तो जी नाजिम, काफी लोगों के साथ जब मैंने बात किया, लोग चाहते हैं कि अब असेंबली इलेक्शंस भी होनी चाहिए, ताकि लोग जो है लोगों को ये भी कहना है कि जिस तरह आज सवेरे काफी ठंड के बावजूद जो है लोगों ने कतारों में जो है हिस्सा लिया और अपने वोट जो है वो कास्ट करने के लिए आए हैं, लोगों का साथ। और ये कहना है कि जो रुकी पड़ी काम है उस पर फास्ट पे काम लगना चाहिए। बदकिस्मती की वजह से 2 साल पहले यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे, किसी कारण से जो है गवर्नमेंट को फिर से आज जो है 2 साल के बाद जो यहाँ पे रिपोलिंग जो हुई है स्टार्ट हुई है। तो लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी असेंबली इलेक्शन भी होनी चाहिए, जितने भी रुके पड़े काम है उस पर भी काम जल्द से जल्द लगना चाहिए। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट द्रगमुल्ला हंदवाड़ा।